देखिए, हमारी पूरी नज़र है, सिर्फ रांची शहर ही नहीं पूरे राज्य पर हमारी पूरी नज़र है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं से भी पीने के पानी की किल्लत की शिकायत ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को पूरी तरह से मैंने निर्देशित कर रखा है कि आप एकदम युद्ध स्तर पर जहाँ जहाँ जो भी साधन संसाधन हैं पेयजल उपलब्ध कराने को, उनको दुरुस्त कराने का काम करें। और जहाँ तक नगर निगम की बात है तो विभिन्न वार्डों में शिकायतें आ रही हैं। थोड़ी सी उदासीनता मैं कहूँगा कि नगर निगम की है कि पेयजल विभाग के द्वारा जो काम कराए जाने थे वो पूरे करा लिए गए, पाइपलाइन चारों ओर बिछा दिया गया है, लेकिन नगर निगम के द्वारा कनेक्शन, हाउस कनेक्शन नहीं कराए जाने के कारण शहर में विभिन्न वार्डों में पेयजल की किल्लत वास्तव में हो रही है। आज हमारे सचिव महोदय ने भी बैठक बुलाई है नगर निगम के अधिकारियों की और नगर निगम के वार्ड पार्षदों की, और उनसे सारी जानकारी ली जाएगी और बहुत जल्द शहर में भी नियमित जलापूर्ति शुरू कराई जाएगी। और जहाँ जहाँ सभी उपायुक्तों को भी हमने निर्देशित करने का को कहा है कि आप विभाग के अधिकारियों अभियंताओं को बुलाकर उन्हें कड़े निर्देश देने का काम करें कि जहाँ भी जो भी हमारे पेयजल के लिए जो चाहे वो नलकूप हो या छोटी जलापूर्ति योजना हो, बड़ी जलापूर्ति योजना हो, सभी को चुस्त दुरुस्त करने का। और अभी हम नए चापाकल भी अधिस्थापित करवा रहे हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद 2013 के बाद हमारे आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया पूरे राज्य के लिए। और सबसे बड़ी बात कि विधायकों के अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाने का प्रावधान है, उसकी भी निविदा की प्रक्रिया लगभग पूरे राज्य में पूरी कर ली गई। और मैंने निर्देश दिया है कि 15 मई तक सभी नए चापाकलों का अधिस्थापन करवा कर और उनसे पानी लोगों को मिलने लगे यह सुनिश्चित कराने का काम करें। पुराने जितने भी चापाकल खराब पड़े हैं उनको दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है, जहां पाइप सड़ गए हैं वहां पाइप बदलने का निर्देश दिया है। छोटी जलापूर्ति योजनाओं से भी घर घर कनेक्शन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो इस वर्ष तो थोड़ी बहुत तो शिकायतें जरूर आएगी, लेकिन आने वाले वर्षों में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं से भी पीने के पानी की शिकायत। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।